जीन दुनिया के खास कार्यक्रम शिक्षक में आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष कार्यक्रम शिक्षक में ऐसा चेहरा जो कि गुमनामी के अंधेरों में छुपा हुआ है, हम आज ऐसे रूबरू कराने जा रहे हैं आरती कटारिया से, जो कि अपने आप में एक शख्सियत है, एक कहावत है कि कोयले की कदान में छुपा हुआ एक ऐसा हीरा जिसे किसी जोहरी की तलाश है। हमारे साथ आज मौजूद हैं आरती कटारिया। आरती, जीन दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आरती, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। जी न्यूज इंडिया में आज मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो सर हैं आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा नाम आरती है और मैं एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और मुझे सिंगिंग की बहुत ज्यादा मतलब हॉबी है। सिंगिंग एक मेरे ना कन कन में बसी हुई है और जब भी मैं खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, मुझे बस हर टाइम ना सिंगिंग चाहिए। ये आरती, आपको जो सिंगिंग है, हाँ जी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सिंगिंग करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सिंगिंग करने की प्रेरणा मेरे को बचपन से ही है। जो मेरी नानी जी थी वो एक बहुत ही अच्छी मतलब गाना गाती थी, संगीत जो थी गीत में खुद ही बनाती थी, तो उनसे ही मैंने सुना है तो मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा आरती, आप जर्नलिज्म की एक स्टूडेंट भी हैं। हाँ जी। तो जर्नलिज्म एक बड़ा टिपिकल जो है कैरियर है, तो आपने क्यों चुना उसको, जर्नलिज्म को? जर्नलिज्म और सिंगिंग दोनों डिफरेंट हो गए, तो आपने क्या मतलब क्या आपने सोच के जर्नलिज्म का? सर देखिए, जो सिंगिंग है वो तो मेरी हॉबी है, यानी कि मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं सिंगिंग करती हूँ। लेकिन जो जर्नलिज्म मैंने फील्ड चुनी है वो इसलिए ताकि मैं नाम भी कमा सकूँ और पैसा भी कमा सकूँ। तो अगर मैं बीए करती तो उसमें सिर्फ मैं पढ़ लिख के अपने घर बैठ जाती या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब करती, लेकिन जो मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ उससे मैं पढ़ भी रही हूँ, साथ में मैं मतलब एंकरिंग भी करती हूँ, तो मेरा फेस जो है लोगों को दिखाई देता है तो मैं उससे थोड़ी फेमस भी होती हूँ। अब जैसे कि सिंगिंग आप करती है जी, तो उसके लिए आप जाहिर सी बात है कि आप रियाज भी करती होंगी, तो किस तरह के आप गाने आपको अच्छे लगते हैं कि आपको सुकून मिलता है, किस तरह गाने आप गाती हैं? सर मेरे को ज्यादा से ज्यादा ओल्ड सॉन्ग जो होते हैं, क्लासिकल सिंगिंग, और जो जो क्लासिकल सॉन्ग में और जो आज के डेट में जो संगीत चल रहा है उसमें आप क्या सोचते हैं, क्या अंतर है, क्या आपको डिफरेंस? सर मेरा मानना तो यही है कि जो पहले के जो ओल्ड सॉन्ग है वो ज्यादा ही रसीले होते थे, यानी कि उन्हें गाने में जो मजा है ना वो अब के गानों में नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं आप अपनी मधुर आवाज से अपना कोई भी एक अच्छा गाना, पुराने जमाने का कोई भी गाना सुनाए। जी बिल्कुल सर, सुनाऊंगी। आरती जी, इतना मधुर कंठ आपके पास है, इतनी मनमोहक आपकी आवाज है, जैसे कि मां सरस्वती खुद आपके कंठ में विराजमान हो, तो आप इसको पेशे के रूप में क्यों नहीं आपने चुना संगीत को? सर मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला ताकि मैं अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाऊं या जनता तक, जो लोग मुझे सुने, मुझे सुनना पसंद करे, ऐसा मुझे कोई अभी तक। क्या स्टेज शो वगैरह नहीं करते क्या आप सिंगिंग के माध्यम से, कोई स्टेज शो वगैरह, इस तरह का प्लेटफॉर्म जिससे कि आप जो दर्शक हैं आपको सुने? नहीं सर, अभी तक तो मैंने कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं किया है, बस वैसे कॉलेज में मतलब गा लिया है स्टेज पे,
कोई नया अंदाज का गाना जो होता है, जो आगे चल रहे हैं गाने, मैं भी चाहूंगा कि हाँ दर्शकों को आप उससे भी अपनी अपनी मधुर आवाज से आप उसको जरूर बनाए। तुझे चाह रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रही इश्क दी डोर वे, किसको सुनाए जाके टूटे दिल शोर वे, माही वे अब ता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे, ओ माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे। बात को आरती जी, वास्तव में एक अलग अंदाज आपको देखने को मिला, जहां आपने पुराने गानों को एक बहुत अच्छे अंदाज में गाया, तो वहीं जो नए गाने हैं, जो नया एक संगीत चल रहा है, उसको भी एक अपने बहुत मधुर आवाज में हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगा बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे कि अब एक पैटर्न चल रहा है कि भजनों पे, तो भजन का भी आप क्या आपका है, भजन वजन गा लेते हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल एक भजन भी आप जरूर सुनाए हमारे दर्शकों को। हो मेरी मैया दादू आरा लागे जग तो प्यारा, गड़ गड़िया चुबारा होगी बल्ले बल्ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन इंडिया बिल्कुल ये चाहेगा कि आप बहुत जल्द एक ऐसे मुकाम को हासिल करें कि आपका एक नाम हो, आप एक वास्तव में कोहिनूर हीरा है जिसको एक जोहरी की तलाश है। और मैं चाहूंगा जिन इंडिया के इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जरूर कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जहां आप वास्तव में एक तारा बनकर, सितारा बनकर आप चमकोगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।